वालेकुम कैसे हैं आप लोग थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझे कमेंट किया लास्ट मेरे एम सी क्यू और जो मैंने अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन की गाइडलाइंस की थी उसमें भी काफ़ी लोगों ने मुझे लिखा तो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोग के कमेंट्स का मैं बहुत इंतजार करती हूँ तो प्लीज़ आप लोग लिखा करें ठीक है अच्छा आज एम सी क्यू Uh, मेरा ख्याल में पता नहीं सेवेंटी थ्री या सेवेंटी फोर में भूल गई एनी वे तो ये मैंने लिया है आपके लिए न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन थर्टीट जनवरी और टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का तो इसमें उन्होंने पूछा है सिनेरियो <coughs> उन्होंने बताया कि ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड वुमन प्रिजेंस विद एक्यूट स्वेलिंग इन हर राइट नी पेन दैट हाइंडर्स हर एबिलिटी टू बियर वेट ऑन हर राइट लेग एंड अ वन वीक हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट लो ग्रेड फीवर एंड मलेस शी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डेली हीरोइन यूज बट इज अदरवाज बट शी इज़ अदरवाइज हेल्दी शी रिपोर्ट नो रिसेंट सेक्जुअल एक्टिविटी ऑन एग्जामिनेशन हर राइट नी इज मेटर्स एंड हॉट विद एन ऑबियस ज्वाइंट डिफ्यूजन शी हैज लिमिटेड एंड मिनिमल रेंज ऑफ मोशन ऑफ द नी शी हैज्रैक मार्क्स ओवर बोथ एंटीक्टल फॉसा ठीक है यानी कि इंजेक्ट करती है वो हीरोइन ठीक है ज्वाइंट एस्परेशन शोज अल्यूकोसाइड काउंट ऑफ वन थर्टी थाउजेंड सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब विद नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स वाइल्ड रिजल्ट ऑफ कल्चर फ्राम द ज्वाइंट एस्परेशन आर पेंडिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट इससे पहले हम एक दफ़ा और नजर डाल लेंगे ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड यंग लेडी है एक्यूट स्वेलिंग हो गई है उसको उसके राइट नी में और मूव uh, नहीं कर सक रही है वो और एक वीक हिस्ट्री है ऑफ इंटरमिटेंट फीवर और मलेस की और डेली uh, वो हीरोइन इंजेक्ट करती है अदरवाइज वो नॉर्मल है और वो डिनाई कर रही है कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी रिसेंट नहीं है दूसरे एग्जामिनेशन uh, में जो नी है वो राइडिमेटस हॉट है ऑबियस साइंस ऑफ इफ्यूजन है और मिनिमल लिमिटेड मिनिमल रेंज ऑफ मोशन है उसके नी में और ट्रैक मार्क्स हैं उसके एंटी क्यूबलफोसा में जो बता रहे हैं कि वो हीरोइन इंजेक्ट करती है ठीक है जॉइंट एस्पिरेशन उसका कर लिया है ल्यूकोसाइड काउंट उसकी बहुत बड़ी भी है वन थर्टी थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब और नाइन्टी फाइव परसेंट न्यूट्रोफिल्स यानी कि एक्यूट अब उसका जो इफ्यूजन था मतलब जो एस्पिरेट किया था वो कल्चर के लिए भेज दिया है और उसके रिजल्ट तो अभी पेंडिंग है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दिस पेशेंट ठीक है पहला उन्होंने पूछा है नेफेसिलिन एंड सेफिपीम दूसरा है नेफेसिलन एंड आर्टापिनम तीसरा है सेफ्ट्रागजोन डी है वेनकोमाइसिन एन सेफिपीम और ई है वेनकोमाइसिन एंड सेफ्ट्राएजोन अब इसमें जो है ना आपको उससे पहले आ, एंटी माइक्रोवियल थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए न कि किस तरह से आप स्टार्ट करते हैं ठीक है तो उसमें आपको सबसे पहले तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अब इसमें जो उन्होंने सिनेरियो बताया वो एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस इस यंग वुमन को हुआ हुआ है ठीक है एक्यूट सेप्टिक आर्थराइटिस जो है अब आपको पता होना चाहिए जो आ, मतलब ये कि जो उसका ऑर्गेनिज्म होगा वो तो कल्चर में आपको सही सही आ जाएगा लेकिन उसकी हालत ऐसी है जहरी बात है कि इम्पेरिक आप एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ना उससे पहले जब कल्चर आएगा तो फिर उसको अकॉर्डिंगली आप चेंज कर देंगे तो उसके लिए आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एक तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वो तो बाद में होगा ठीक है जब कल्चर आएगा दूसरे है आपकी नॉलेज कि इस सिनेरियो में जो है या ये वाले इन्फेक्शन कौन कौन से बैक्टीरिया से होते हैं ठीक है वो पता होना चाहिए आपको तीसरे साइट ऑफ इन्फेक्शन ठीक है किस जगह पे हुआ है कौन से बैक्टीरिया होंगे वहाँ पे फिर पेशेंट फैक्टर्स होते हैं पेशेंट फैक्टर्स का मतलब है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है उसको कोमोरबिटी कोमोर्बिट और तो नहीं है उसकी फिर उसके बाद उसका रीनल फंक्शन कैसा है फिर उसके बाद जो है उसका लिवर फंक्शन कैसा है ठीक है तो ये सारे पेशेंट और फिर आ, मतलब ड्रग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या एफिकेसी उसकी क्या है या फिर आ, उसकी कॉस्ट क्या होगी ड्रग की मतलब ये कि आप इतनी महंगी दवाइयाँ तो नहीं लिखेंगे ना अगर दूसरी जो है कवरेज पूरी हो रही है तो आप वो देंगे बन उसके आप वो बहुत महंगी दवा लिख के दे दें ठीक है तो ये सारी नॉलेज जब होगी तो फिर आप सही एंटीबायोटिक चूज़ कर सकते हैं सबको एक तरह से आपने बस वो ही एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेप्टिक आर्थराइटिस है ना वो स्टेफ्लोकोकस ऑरियस से या स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज से हो रहा होता है ठीक है और दूसरी ये है कि ये जो पेशेंट है वो हीरोइन भी ले रही है अच्छा स्टेफ्लोकोकस ऑरियस अगर इसको सेप्टिक आर्थ्राइटिस हुआ हुआ है तो आप मेथेसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ऑरियस वो भी हो सकता है ना उसको तो एक पॉसिबिलिटी है कि आ, मरसा भी हो तो आप ऐसी एंटीबायोटिक चूज़ करेंगे ना जो इसको मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ्लोकोरियस स्टेफ्लोकोकस हरियस को कवर कर ले ठीक है दूसरे जो है ये हीरोइन भी ले रही है इंजेक्ट कर रही है तो इसको चांसेस हैं कि सूडोमोनाल सूडोमोनाज और इग्नोजा भी हो सकता है उसको ठीक है तो आपने इन दोनों चीज़ों को ना कवर करना है अब नेफिसिलिन और सेफीपीम देखें नेफिसिलिन जो है ना ना वो सूडोमोनाज और इग्नोजा को कवर कर रही है ना मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ्लोकोकस को कर रही है ठीक है सेफी जो है वो एंटी है लेकिन नेफिसिलिन के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं सही है नेफिसिलिन एंड आर्टापिनम अब नेफिसिलिन जो है वो मरसा को यानी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ्लोकोकस ऑरियस को भी नहीं कर रही है कवर और आर्टापेनम जो है ना वो मरसा को करता है कवर और ना वो आ, जो है सूडो मोनाज और को कवर करता है ठीक है तो ये भी गलत हो गया है जो है वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेप्ट ऑरियस के लिए नहीं होता ठीक है सेफ्टोजोन कवर नहीं करता अब एक आ गया वेनकोमाइसिन वेनकोमाइसिन इंडिकेटेड होता है जहाँ पे भी आपको मरसा का शुभा हो ठीक है मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ्लोकोकस ऑरियस कैन इज कवर्ड बाय वैनकोमाइसिन और सेफी पीम जो है वो एंटीसूडोमल है एंटी ठीक है तो ये सही ऑप्शन उसका हो गया वैनकोमाइसिन एंड सेफीपीम वैनकोमाइसिन एंड सेफ्टोन भी नहीं होगा वैनकोमाइसिन अगर आपने दिया मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ्लोपोकस को तो आपने कवर कर लिया लेकिन सेफ्ट्राइगोन जो है ना वो एंटी सूडोमोनाल मतलब ये कि सुडोमोनास और को कवर नहीं करता है ठीक है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ये मालूम हो तब भी आप सही एंटीबायोटिक चूज़ करेंगे अच्छा गाइडलाइंस हमें यही बताती हैं कि जब भी पेशेंट आए आपको सीरियसली सीखे जैसे इसमें है, इसको इतना एराइदी मेटस इफ़्यूजन हुआ हुआ है ठीक है तो अब इसमें आप इंतज़ार तो नहीं करते रहेंगे ना कल्चर का तो आप एम्पेरिक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे यानी कि जो सस्पेक्टेड आपके ऑर्गेनिज़म्स हैं जो आपके दिमाग में हैं कि उसको ये ये है तो इसको स्टेफ्लोकोकस ऑरियस का भी शुभ है तो मरसा का भी शुबा है और इसको जो है वो हीरोइन इंजेक्ट कर रही है ये तो सूडोमोनास का भी इसको है ठीक है तो फिर आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे एंटीबायोटिक को तो इसमें सही ऑप्शन डी है वेनकोमाइसिन एनसेफिबी ठीक है और जो सिनेरियो था वो एक्यूट आ, सेप्टिक आर्थराइटिस बन रहा है अच्छा इसमें एक चीज़ हर चीज़ वो एक्सक्लूड भी करते हैं ना उसी सिनेरियो में यानी जो पेशेंट है वो डिनाई कर रही है कि कोई सेक्सुअल रिसेंट एक्टिविटी नहीं है वरना गोनोकोकल आर्थराइटिस भी हो सकता था उसको ठीक है तो वो आपने इसलिए सारी चीज़ें ना क्लियर करनी होती हैं ताकि उस हिसाब से आप एंटीबायोटिक चूज़ कर सकें सही और फिर जब तीन चार दिन के बाद पाँच दिन के बाद उसके तो अभी आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिया जब इसकी आ, वो आ जाएगी रिपोर्ट उसमें एक दो बैक्टीरिया जो भी आएंगे तो आप फिर नैरो डाउन कर दीजिएगा नैरो मतलब एक्सटेंडेड नैरो रेंज की एंटीबायोटिक आप फिर जो भी उसमें स्पेसिफिक होगी वो आप दे देंगे तो पेशेंट सही से ट्रीट हो जाएगी ठीक है तो ये बताने का मकसद था अब आ, इसमें भी इन्होंने यही बताया कि देख लेते डिटेल फीडबैक में तो पेशेंट्स फिजिकल एग्जामिनेशन इन लेबोटरी फाइंडिंग्स आर कंसिस्टेंट विद सेप्टिक आर्थराइटिस सेप्टिक बैक्टीरिया आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली कॉज बाय स्टेफ्लोकोकस ऑरियस इन स्टेप्टोकोकस स्पीशीज पेशेंट हु आर सेक्जुअली एक्टिव आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ गोनोकोकल आर्थराइटिस एंड दोज हु इंजेक्ट ड्रग्स आर एट इनक्रीज रिस्क फॉर मोनाज और इग्नोजा इन्फेक्शन तो आपको सारी एंटीबायोटिक के ना पता होने चाहिए कि वो कौन कौन से माइक्रोब्स को कवर कर रही हैं प्लस जो भी पेशेंट को साइट ऑफ इन्फेक्शन है ठीक है तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इन्फेक्शन है तो इस बैक्टीरिया से होता है तो ये सारी अगर आपको मालूम होगी तो आप सही एंटीबायोटिक चूज़ कर लेंगे ठीक है और क्या था अच्छा सेफ्ट्राग्जोन जो जो है ना वो सूडोमोनाज और इग्नोजा को कवर नहीं करता है अगर मैंने गलत तो नहीं कह दिया था और नेफिसिलिन जो है वो मरसा को कवर नहीं करता है ठीक है आर्टेपन मरसा को भी नहीं करता और सुडोमोनास को भी नहीं करता ठीक है तो ये आपको ना सही से आना चाहिए तो फिर आप सही एंटीबायोटिक चूज़ करके और पेशेंट की थेरेपी वही होती है कि जब आपको आ, मतलब पिन पॉइंट नहीं हुआ है अभी आपका ऑर्गेनिज्म लेकिन आप उसको उससे पहले अपनी नॉलेज के हिसाब से ऐसी एंटीबायोटिक दे रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो इन सब बैक्टीरिया को जो आप समझते हैं कि ये डिजीज़ कॉज कर रही होंगी उनको कवर कर लें ठीक है तो ये आपका हो गया आई होप कि ये कुछ हेल्पफुल होगा तो आप जो हैं फिर मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अपना ठीक है ओके थैंक यू सो मच खुदा आफेस, खुदा खुदाफे